खबर भरतपुर से। वैधाना इलाके के गांव में 3 माह पहले एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म के दर्ज नामजद मामले में पुलिस द्वारा करीब 3 माह गुजर जाने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। पीड़िता की मां ने वैधाना में नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पॉक्सो एक्ट में दर्ज कराया था। वैर पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आरोपी के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर पुलिस के अधिकारियों को कई बार मिल चुकी है, लेकिन 3 महीने गुजर जाने के बाद भी पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही। पीड़िता के परिजन पीड़िता को न्याय की खातिर दर दर भटक रहे हैं। नाबालिग पीड़िता के मां ने बताया कि 7 नवंबर 2021 को करीब 5:30 बजे मेरी पुत्री अपने बेहतर अपने खेत पर शौच करने गई थी। जैसे ही शौच करने लगी तो मेरी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को गांव का ही आरोपी सोनू पुत्र मोहर सिंह जाति जाटव अन्य एक लड़का दोनों पहले से ही झाड़ियों में छुपे हुए थे, जो मेरी नाबालिग बालिका को झाड़ियों में पकड़ कर ले गए। आरोपी सोनू पुत्र मोहर सिंह ने मेरी पुत्री के साथ छेड़छाड़ की व दुष्कर्म किया, जिसकी रिपोर्ट नाबालिग पीड़ित की माँ ने 8 नवम्बर को वैर थाने में दर्ज कराई। नाबालिग पीड़िता व उसके पिता ने बताया गांव के कुछ दबंगों द्वारा करीब 3 माह पूर्व मेरी नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना की थी, जिसकी रिपोर्ट थाना वैर में अपराध नंबर 354 की आईपीसी की धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने की कुत्सितता को लेकर नाबालिग बालिका के पीड़ित माता पिता भरतपुर के रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रसन्न कुमार खमैसरा को आपबीती बताई जा चुकी है और मुलजिम खुलेआम घूम रहे हैं। इसके बावजूद भी आज तक उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, कारण उक्त अनुसंधान अधिकारी उसके प्रभाव में आकर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। नाबालिग पीड़िता अपने माता पिता के साथ पूर्व में पुलिस अधीक्षक पुलिस महानिरीक्षक संभागीय आयुक्त महिला आयोग जयपुर व कलेक्टर को भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं और पीड़िता व परिजन 3 माह से न्याय की प्राप्ति के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं आ पाई है। घिनौना अपराध हुआ है 7 तारीख को और 8 तारीख को हमने रिपोर्ट दर्ज कराई और उसमें थानेदार भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और हम जयपुर भी मिल चुके, भरतपुर भी मिल चुके, आईजी साहब से मिल चुके, थाना ओवर में भी सारी जगह हमने कार्रवाई की और प्रेशर है उसका मंत्री का, थानेदार इसलिए काम नहीं कर रहा है बिल्कुल। पक्षवाद वाले सरपंच है, उसका भतीजा है अपराधी और इसलिए पुलिस कोई काम नहीं कर रही, कार्रवाई नहीं कर रही है बिल्कुल। और हम थक चुके हैं बिल्कुल, घूम घूम के थक चुके हैं बिल्कुल।